हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, स्कोर प्लस आप लोगों के लिए कंप्यूटर का जो सीरीज शुरू किया था, तो उसके आज थ्योरी क्लास करेंगे। जैसे कि पहले हमने तीन लेक्चर लिया, तीनों में हम आपको क्या PYQ, BSPSCL का PYQ हमने करा है। तीन से चार लेक्चर लिया जिसमें PYQ किया है। इससे हमें ये पता चला, PYQ करने से हमें ये पता चला कि BHPSCL जो है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए हमें स्टडी भी उस लेवल तक का करना है, उससे ज़्यादा करना है। ओके, तो आज मैं आप लोग के लिए थ्योरी क्लास लाया हूँ। थ्योरी क्लास शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? तो स्कोर प्लस आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और स्कोर प्लस आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पे आप कोर्स परचेज कर सकते हो। आपका जो भी पूरा का पूरा क्लास होगा, स्कोर प्लस का ऐप पे पूरा क्लास अवेलेबल होगा। ओके, आप स्कोर प्लस के इस नंबर पे आप ज़्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, उसका टॉपिक हम शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले ये बताओ, कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर शब्द जो है, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से वर्ड से हुई है? तो ग्रीक वर्ड से हुई है। ग्रीक शब्द कौन सा? कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट से हुई है। ओके, अब यहां पे कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट का मतलब क्या होता है? तो जो कंप्यूट वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, कंप्यूट का मतलब, कंप्यूट का अर्थ क्या है? गणना करना, गणना करना। यानी इसको को इंग्लिश में बोलोगे तो टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, ठीक है? यानी गणना करना। ओके, अब यहाँ पे तो अब ये बताओ, इसीलिए हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को संगणक भी बोलते हैं। भी कहते हैं, क्लियर? कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक भी कहते हैं। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाओ, आपको प्रॉपर एक अच्छा नोट्स मिलेगा। आप सारे चीजों को अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म वे में नोट करो, एक अच्छा नोट्स आपका तैयार होगा, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। ओके, चलो, तो अब कंप्यूटर का डेफिनेशन अगर बात करें, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होगा? तो हम लिखेंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच डू
विच डू मैथमेटिकल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो क्या, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, अंक गणितीय और तार्किक गणना करता है। अब यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे लिख लो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। अब ये बताओ अंक गणितीय क्या होता है और तार्किक यानी लॉजिकल क्या होता है। तो जो अंक गणितीय है जो अंक गणितीय है उसको हम जैसे अंक गणितीय यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे जो हो गया आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना, भागा, ये सब हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन, अंक गणितीय गणना। ओके, अब बताओ तार्किक, एक है तार्किक, तार्किक ऑपरेशन यानी लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक गणना, इसमें क्या आएगा। तो जो तार्किक गणनाएं होता है उसमें आपका इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सभी जो आता है आपका तार्किक में आता है, ठीक है, तार्किक गणनाएं में आता है। आई होप क्लियर होगा। अब आप लोग ये बताओ कंप्यूटर का फादर यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है। हाँ जी, तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। इनका जन्म 1791 में हुआ और इनका मृत्यु 1871 में हुआ। ये क्या, ये आपका मैथमेटिशियन थे, ठीक है, इन्होंने कंप्यूटर के डिफरेंस इंजन का सबसे पहले आविष्कार किया, ठीक है, डिफरेंस इंजन। ओके, तो हम लिखेंगे चार्ल्स बैबेज, इनका नाम क्या है, चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। अब ये बताइए सबसे पहले गणना करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा डिवाइस का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले कौन सा डिवाइस का प्रयोग हुआ था
गणना करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हुआ था वो डिफरेंस सॉरी अबेकस का प्रयोग हुआ था। तो अबेकस का श्रेय किसको जाता है? अबेकस जो है ये बेसिकली पहले से लोग यूज कर रहे थे। अबेकस यूनिफॉर्म एक बेल स्ट्रक्चर तो पहले तो नहीं था, वो क्या क्या करते थे, कुछ ईंट पत्थर, छोटे छोटे ईंट पत्थर का यूज करके गणना कर रहे थे। ठीक है, अबेकस कुछ इस बाद में इसको इस तरह से बनाया गया बाद में। ये आधुनिक अबेकस इसको कहा जाता है। तो आधुनिक अबेकस का जो फादर हैं वो कौन है? तो टिम क्रेमर हैं, जो आधुनिक अबेकस के पिता कहा, इनको आधुनिक अबेकस का पिता कहा जाता है। टिम क्रेमर नाम याद रहेगा, टिम क्रेमर। इसके बारे में और मैं बताऊंगा जब अबेकस के बारे में पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा। टिम क्रेमर तो सबसे पहले ये आया अबेकस। तो अबेकस इस फॉर्म में नहीं आया था, ये अबेकस था जो लोग छोटे छोटे ईंट पत्थर या कुछ सामान से काउंटिंग कर रहे थे, 1 2 4 ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरह से काउंटिंग कर रहे थे। तो इसका जो श्रेय जाता है मेसोपोटामिया के इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, जो बेबीलोन चीन में जो आता है, उन सभी को श्रेय जाता है। उन सभी जगह पे इसका काफी ज्यादा यूज हो रहा था। ओके, ठीक है। अब चार्ल्स बैबेज के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो चार्ल्स बैबेज थे, इन्होंने पहला जो कंप्यूटर बनाया, चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। अब ये डिफरेंस इंजन क्या था? तो अबेकस से जोड़ घटाव तो हो रहा था अच्छा खासा, ये डिफरेंस इंजन क्या था? तो देखो, जो डिफरेंस इंजन था वो दशमलव के बाद का, चूंकि ये एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, तो इनको डेसिमल के बाद का नंबर का कैलकुलेशन थोड़ा टफ लगता था। उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, दशमलव के बाद के अंकों का सिंप्लीफिकेशन के लिए डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। तो ये जो डिफरेंस इंजन था वो दशमलव के बाद 20 अंकों की गणना करता था। दशमलव के बाद 20 अंकों का गणना करता था। इसके बाद इसी का एक थोड़ा सा हाइब्रिड रूप आया, वो एनालिटिकल इंजन का हुआ। तो इसके बाद चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल कल एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। अब ये एनालिटिकल इंजन क्या था? तो ये दशमलव के बाद 50 अंकों का कैलकुलेशन कर सकता था,
50 अंकों का कैलकुलेशन करने में सक्षम था। तो ये जो एनालिटिकल इंजन था ये दशमलव के बाद 50 अंकों की गणना कर सकता था। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली डिसिमल के बाद का कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरा जो सिंपल कैलकुलेशन तो हो ही रहा था, जोड़ घटाव गुना भागा। अब ये बताओ, जो कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर करता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटर, अगला पॉइंट लिखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम जो देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ओके, क्लियर है? हाँ जी, बताओ, क्लियर है यहाँ तक? कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। आप देखो क्या होता है, कंप्यूटर में आप जो डालोगे यहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा, इसके बाद ये क्या होगा? इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। अब ये जो होता है, ये डेटा जो है ये क्या है? ये रॉ फैक्ट है। इसको हिंदी में बोले तो कच्चे तत्व। ठीक है, ये कच्चे तत्व होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। ओके, इसी को हम इनपुट बोलते हैं। अब यहाँ पे इनपुट, हम कोई भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फीड किए, ये कंप्यूटर में गया, प्रोसेस हुआ। प्रोसेस करने का काम कौन करता है? तो प्रोसेस करने का काम, हाँ जी, प्रोसेस करने का काम कौन करता है? तो प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे प्रोसेस होगा और ये डेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कंप्लीट फैक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो होगा इंफॉर्मेशन, कंप्लीट फैक्ट। ओके, कंप्लीट फैक्ट के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर द्वारा डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना
करना क्या कहलाता है? परिवर्तित करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ईडीपी कहलाता है। ईडीपी यानी ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्लियर है? अब ये देखो, ये है सीपीयू। ये क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो डेटा को कन्वर्ट करने का काम किसके द्वारा करता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे, देखो क्या होता है। सबसे पहले हम इनपुट दिए, इनपुट दिए, ये हुआ प्रोसेस। इसके बाद ये बना आउटपुट। क्लियर है? ये बना आउटपुट। अब ये प्रोसेस करने का काम होता है सीपीयू का। किसका? सीपीयू। ठीक है, तो ये जो है इनपुट को प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। क्लियर? तो डाटा को प्रोसेस सीपीयू द्वारा किया जाता है। हम लिखेंगे क्या? डेटा को प्रोसेस सीपीयू द्वारा किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब सीपीयू में क्या ऐसा होता है जो वो प्रोसेस करने का काम करता है? तो सीपीयू, अगला पॉइंट लिखेंगे, सीपीयू के तीन भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है ALU, दूसरा है CU, तीसरा है मेमोरी यूनिट। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। ओके, अब ये मेमोरी यूनिट क्या होता है? इसका काम होता है स्टोरेज करने का। जो इनपुट से आउटपुट में डाटा कन्वर्ट होता है, तो इसका काम है स्टोरेज का, स्टोरेज यूनिट का काम होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, सीपीयू का इंटरनल बना हुआ स्ट्रक्चर। तो ये है इनपुट हम दिए, जैसे हम क्या किए, यहाँ से हम इनपुट दिए, ये क्या होता है, यहाँ से गया, और ये कंबाइनल लॉजिक है। यहाँ पे क्या होता है कि इससे अब किस में जाना है, यहाँ पे सारे कोई भी इनपुट दोगे, ये सारे का सारे ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको जो भी फंक्शन होना है, जैसे आपको अर्थमेटिकल फंक्शन होना है, लॉजिकल फंक्शन होना है, कौन सा फंक्शन होना है, तो यहाँ पे ये डिसाइड करेगा।
अब इसके बाद यहाँ से होके ये जाएगा कंट्रोल यूनिट में, ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट के मध्य संबंध स्थापित करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इनपुट हम दिए कुछ भी डाटा यहाँ पे डाले, यहाँ पे हम डाटा को डाले, इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, फिगर को थोड़ा सा और सिंपल करते हैं और आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ये है आपका सीपीयू, इसमें एक होता है एएलयू, इसमें होता है दूसरा सीयू, तीसरा हो गया मेमोरी, क्लियर। तो जो एएलयू होता है, एएलयू होता है अर्थमेटिक और लॉजिक, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशन होता है वो करता है। ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, यानी गणितीय और तार्किक क्रियाएं जो भी होता है वो करता है, क्लियर है। तो आप लिख सकते हो यह गणितीय और या गणितीय और तार्किक तार्किक क्रियाएं करता है, क्लियर क्लियर है यहां तक। अब इसके आगे ये कंट्रोल यूनिट ये क्या करता है, तो ये काम करता है जैसे इनपुट से, इनपुट यहाँ पे दिए, इनपुट दिए डेटा यहाँ पे फीड किए, ये डेटा को इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या बना, इंफॉर्मेशन। तो जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, डेटा जो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, तो इन दोनों के मध्य सिग्नल को स्थापित करता है। तो हम लिखेंगे इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल नियंत्रित करता है, इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को स्थापित करता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब रहा मेमोरी की बात, तो ये मेमोरी क्या करता है, जब इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करता है कंप्यूटर, तो ये जो आउटपुट होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। तो हम क्या लिखेंगे, यह इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसके स्टोरेज का कार्य करता है, यह इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसे यह स्टोरेज का काम करता है, का कार्य क्लियर है।
यहाँ पे आपका तीनों का मैंने फंक्शन बता दिया। अब जो सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो मैंने पहले भी बताया। सीपीयू जो होता है, सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे इसे आप क्या बोलते हो, कंप्यूटर का हृदय, दिमाग, ठीक है, इसे कंप्यूटर का हृदय, दिमाग, मस्तिष्क कुछ भी बोल सकते हो, या कंप्यूटर का या कंप्यूटर का हृदय, दिमाग, या कंप्यूटर का हृदय, दिमाग, हृदय, दिमाग या मस्तिष्क यहाँ पे लिखेगा, इसे इसे कंप्यूटर का हृदय, दिमाग या मस्तिष्क भी कहते हैं। क्लियर? एक चीज और है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है। अब ये इम्पोर्टेंट क्या है तो नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके लिख लीजिएगा, क्या नोट करके ये लिखिएगा, सीपीयू को प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप भी कहते हैं। ठीक है, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर माइक्रो चिप या प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब बात करते हैं डेटा की। तो डेटा जो होता है, डेटा कितने प्रकार का होता है, यानी जो हम इनपुट देते हैं वो कितने प्रकार का होता है। तो डेटा, जो डेटा होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। डेटा दो प्रकार का होता है, ठीक है। डेटा क्या होता है, जो इनपुट होता है वो दो प्रकार का होता है। क्लियर है? हाँ जी बताओ। तो डेटा कौन कौन सा दो प्रकार का होता है, तो देखो कंप्यूटर में जब डेटा हम डालते हैं तो या तो न्यूमेरिक डेटा हम डालते हैं या तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा डालते हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। कौन कौन सा हो गया, न्यूमेरिक डेटा। इसमें क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा में क्या होता है, इसको हिंदी में अगर लिखें तो संख्यात्मक, संख्यात्मक डेटा। क्लियर? संख्यात्मक डेटा इसमें जो आता है, जीरो से लेकर, जीरो से नाइन तक जो संख्या है वो आता है। दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है,
अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ये इसमें क्या आता है, इसको हम बोलते हैं गैर गैर संख्यात्मक डेटा। तो इसमें जो आता है वो ए टू जेड, ए से ए टू जेड आ गया, ये कैपिटल में, ए टू जेड ये हो गया स्मॉल में, ठीक है। और जितने भी तरह के सिंबल इमोजी जो आप यूज करते हो वो सभी इसमें आता है, अल्फा न्यूमेरिक में आता है, ठीक है। तो स्टार हो गया, एट द रेट हो गया, हैश हो गया, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, हैश, इमोजी, इमोजी, तो ये सभी आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आता है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देखो जो सीपीयू होता है, तो सीपीयू जो होता है बेसिकली यही होता है, यही आपका इसमें क्या होता है, स्टोरेज वगैरह सारा ही लगा होता है। इसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसी में आपका एएलयू चिप लगा होता है, सीयू चिप होता है, स्टोरेज चिप होता है, सारे इसी में फिट होते हैं। ओके, तो बेसिकली जो मेरा मेन कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है यही होता है मदरबोर्ड। अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो गया तो आपका कंप्यूटर खराब हो गया। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को, कंप्यूटर के बारे में, यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसको यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ उसके बारे में, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की दुनिया में गणना करने के लिए जो यूज हुआ वो क्या हुआ, अबेकस हुआ। तो पहला हम लिखेंगे अबेकस। अबेकस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, पहले भी मैंने बात करी अबेकस के बारे में। तो अबेकस जो होता है वो मिसोपोटामिया के लोगों, जो मिसोपोटामिया के इर्द गिर्द और मिसोपोटामिया में रह रहे थे उसको ये श्रेय जाता है। तो अबेकस जो है संसार का पहला गणना यंत्र है, अबेकस संसार का पहला गणना गणना यंत्र है। ओके, संसार का पहला गणना यंत्र है। ओके, ये इसका जो प्रयोग हुआ ना, ये सबसे पहले कहाँ हुआ, तो आधुनिक अबेकस का के बारे में बात में करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले इसका प्रयोग चीन और प्राचीन बेबीलोन में हुआ था, इसका प्रयोग चीन और प्राचीन बेबीलोन में हुआ था, प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधुनिक आधुनिक अबेकस का आविष्कार, आधुनिक अबेकस का जो आविष्कार हुआ ना उसका श्रेय किन्हें जाता है, तो टीम क्रेनमर को जाता है, ठीक है, टीम क्रेनमर।
आधुनिक अभिकर्ष का आविष्कार टीम, ठीक है, टीम, सॉरी टीम, ओके। तो टीन क्रेमर ने ये इसका आविष्कार किया था, ये पहला गणना यंत्र था। उसके बाद जो दूसरा गणना यंत्र आया, जो ये देखो अभिकर्ष कुछ इस फॉर्म में होता है, अभिकर्ष, ये अभिकर्ष कुछ ऐसा होता है, ये देखो ऐसा, ये आधुनिक अभिकर्ष है, पहले के लोग ऐसा यूज नहीं करते। ये देखो कितना अच्छा सजाया हुआ है, ये क्या हुआ, वो लोग जो यूज कर रहे थे वो ईट पत्थर का यूज कर रहे थे। उसके बाद टीम टीम क्रेनमर ने इसको दिमाग लगाया और इसको अरेंज करके एक अच्छा फॉर्मेट दिया, जिससे ये नंबर को इधर, जैसे ये दो काउंट करना है तो दो को ऐसे ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए, तो इस तरह से यूज करने लगे इसका। ये देखो राउंड राउंड जो रिंग लगा हुआ है, तो रिंग के हिसाब से काउंट करने लगे। ओके। इसके बाद जो दूसरा आपका है, ये है पास्कलाइन, पास्कलाइन आया दूसरा, ठीक है। तो पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया, तो ब्लेज पास्कल ने 1642 में क्या इसका आविष्कार किया, ठीक है। ये इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता है, पास्कलाइन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, जोड़ और घटाव कर रहा था। क्लियर है, तो हम इसको लिख लेते हैं, पास्कलाइन क्या है, दूसरा जो है पास्कलाइन, ठीक है, पास्कलाइन। तो इसका आविष्कार, पास्कलाइन का आविष्कार आविष्कार किसने किया, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया, ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में किया गया, ठीक है, इसका आविष्कार। यह सिर्फ प्लस और माइनस कर सकता था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह सिर्फ प्लस माइनस कर सकता था, इसीलिए इसे एडिंग एडिंग मशीन भी कहते हैं। क्लियर है, तो इसको हम क्या बोले, एडिंग मशीन बोले। पास्कलाइन को क्या बोला जाता है, एडिंग मशीन। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एडिंग मशीन है, अभिकर्ष है, पास्कलाइन है, डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल इंजन है, तो इन सभी चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो डिफरेंस इंजन, तो सबसे पहला जो इंजन बना था यही बना था कंप्यूटर की दुनिया में, ये जो था गणना करने में सक्षम था, क्या गणना करता था, तो दशमलव के 20 अंकों के बाद का गणना करने लगा, दशमलव के बाद 20 अंकों का। अब ये देखो हैंड ऑपरेटेड मशीन है, इसमें क्या है, हैंड ऑपरेटेड मशीन है। ये देखो छोटे छोटे ये ऐसे रिंग बना हुआ है ना, तो ये सब रिंग जो बना हुआ है इसमें नंबर प्रिंट होते हैं, यहाँ से हैंड, यहाँ से हाथ ऑपरेट करते थे, हाथ से ऑपरेट करते थे इसको घुमा के, और उसको क्या करते थे, जो नंबर यहाँ पे काउंट करना होता है उसको इस सीरियल वाइज अरेंज करते थे, ठीक
ठीक है, उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होता था। तो डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार हुआ था वो कौन किए थे? तो चार्ल्स बैबेज ने, चार्ल्स बैबेज ने इसका आविष्कार किया था। तो डिफरेंस इंजन क्या है? डिफरेंस इंजन लिखिएगा, इसका आविष्कार अठारह सौ बाईस में चार्ल्स बेबेज ने किया, चार्ल्स बैबेज ने इसका आविष्कार किया। या दूसरा पॉइंट लिखिएगा, या दशमलव के बाद बीस अंकों की गणना कर सकता था। ठीक है, डिफरेंस इंजन दशमलव के बाद 20 अंकों की गणना कर सकता था। ओके, ये था। अब एक इसका जो हाइब्रिड रूप आया, जिसका भी आविष्कार कौन किए थे? चार्ल्स बैबेज ने। ये है एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन ये 10 सालों के बाद क्या डिफरेंस इंजन का ही ये हाइब्रिड रूप है। इसको थोड़ा चलाना और आसान हो गया, और ये गणना करने की इसमें जो है कैलकुलेशन स्पीड इसमें फास्ट हो गया। ठीक है, ये भी हैंड ऑपरेटेड ही था। तो अगला है 4 नंबर, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन इसका आविष्कार अठारह सौ तैतीस में चार्ल्स बैबेज के द्वारा, चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये किया गया। इसका जो यूज है, यह दशमलव के कि 50 अंकों की बाद गणना कर सकता था। क्लियर है? तो एनालिटिकल इंजन दशमलव के 50 अंकों की बाद गणना कर सकता था। इसमें देखो बहुत सारे रॉड लगे हुए हैं, ये भी हैंड ऑपरेटेड था। इसको भी हम यहाँ से ऑपरेट करते थे, यहाँ पे कुछ रहता था नंबर प्रेस करने के लिए। वो ये क्या, ये शो ऑफ कर देता कि कितना होगा। इसमें बहुत सारे रिंग लगे होते, उसमें नंबर प्रिंट होते थे, उसमें इंडिकेटर कुछ रहता था, वो इंडिकेटर के रूप में शो कर देता था। ये देखो, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन इसी का हाइब्रिड रूप है। वो इसमें देखो बीच में ये नंबर जो रहता था, उसको बीच में ये रूल लगा हुआ रहता था, जिसके द्वारा से हम कैलकुलेशन समझ पाते थे। ठीक है,
दोनों का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने ही किया है। सबसे पहले डिफरेंस इंजन, ये 20 अंकों तक का कैलकुलेशन करता था, और इसके बाद एनालिटिकल इंजन, ये 50 अंकों तक का, दशमलव के बाद 50 अंकों तक का गणना करता था। चलिए आगे, ये देखो मार्क वन कंप्यूटर, अगला जो कंप्यूटर है मार्क वन। तो ये जो कंप्यूटर बनाया गया था किसी कंपनी के किसी साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, कंपनी के किसी साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। तो उस समय एक कंपनी थी जो इस पे वर्क कर रही थी, इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही थी, IBM। IBM तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो उसी के एक साइंटिस्ट थे हावर्ड आइकेन, हावर्ड आइकेन, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। ये जो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था, अब ये डिजिटल तो नहीं था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला इंजन था, ठीक है। ओके, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब ये मार्क वन, अगला नंबर है कितना, कितना बना, 5 नंबर, मार्क वन। मार्क वन जो था ये कब आया, तो मार्क वन 1937 में, 1937 में आया, 1937 से शुरू हुआ, इसका जो प्रोजेक्ट था 1937 से शुरू हुआ, और 1900, देखो 1944 तक चला, 1944 में फाइनली ये वर्क करने लगा था, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट के तौर पे ये चलेगा कि नहीं चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं था, तो ये क्या था, ये एक प्रोजेक्ट के तौर पे चला रहे थे लोग इसको, एक्सपेरिमेंट के तौर पे कह सकते हो, एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये चल रहा था प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका आविष्कार, इसका जो आविष्कार कौन किए थे, हार्वर्ड आई कैन, हार्वर्ड आई कैन, ठीक है, हार्वर्ड आई कैन, ये कहाँ पे काम कर रहे थे, IBM, IBM में काम कर रहे थे। तो IBM का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ सकता है, IBM का फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल, अब ये देखो स्पेस बहुत ले रहा था, शुरुआत में बना था तो शुरुआत में काफी ज्यादा स्पेस ले रहा था। ये विश्व का पहला एक कंप्यूटर बना जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा था। इसके पहले आपने देखा अबेकस, देखा पास्कलाइन, देखा डिफरेंस इंजन, देखा एनालिटिकल इंजन, देखा, ये सभी के सभी मशीन जो थे ये सभी किस पे वर्क कर रहा था, हैंड ऑपरेटेड था। अच्छा, इसका जो IBM का जो फाउंडेशन हुआ था कब बना था, फाउंड कब हुआ था, तो ये देखो इसका ये फाउंडेशन हुआ था 16 जून 1911 में, 16 जून 1911 में ये बना था, इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो इसका जो हेडक्वार्टर था न्यू न्यूयॉर्क में था, कहाँ, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में था, ठीक है। ओके, इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा, यह विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक, विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, ठीक है।
तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि विश्व का प्रथम विद्युत चलित गन्ना यंत्र कौन था, तो क्या बोलिएगा, मार्क वन था जो आपका पहला, विश्व का पहला कंप्यूटर था जो विद्युत से चलती थी और गन्ना करता था। ठीक है, क्लियर। अगला देखो, ये है इनेक, अगला है इनेक, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अगला है इनेक, 6 नंबर। इनेक का फुल फॉर्म पहले बताओ, इनेक का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर, इसका क्या फुल फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एंड कैलकुलेटर। ओके, जो इनिक था ये पहला, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर बना। ठीक है, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं क्या, कि अगर पूछ दे कि विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन बना, तो इनेक बना, और विश्व का पहला विद्युत चलित यंत्र यानी गणना करने वाला यंत्र कौन बना, तो मार्क 1 कंप्यूटर बना। क्लियर है। अब ये कब बना, तो ये बना 1946 में, 1946 में बना। इसके आविष्कारक कौन थे, तो इसका जो आविष्कार का श्रेय जाता है, दो साइंटिस्ट हैं, किनको किनको, जेपी एकर्ट और जॉन मोस्ली। आविष्कार किसने किया, तो जेपी एकर्ट और जॉन मुसली, इन दोनों के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। क्लियर है। विश्व का ये पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एक लाइन और लिख लीजिएगा, यह विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो कंप्यूटर है क्या है, इडबैक, इडबैक 7 नंबर। ठीक है, अगला जो है इडबैक, इडबैक का फुल फॉर्म क्या होगा, इडबैक का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, तो इडबैक का जो फुल फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, तो इसका देखो, इनिक और इडबैक ये प्रोजेक्ट साथ साथ शुरू हुआ था, लगभग इनिक के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था,
लगभग लगभग 7-1-2 साल का डिफरेंस था, और दोनों प्रोजेक्ट जो चला वो 1946 में बन के तैयार हो गया था, और ये 1944 में शुरू हुआ और 1948 में ये बना। ठीक है, इसके भी आविष्कारक कौन है? तो ये इन्हीं का ही हाइब्रिड रूप है। इसका भी आविष्कारक कौन है? तो जो इन्हें के आविष्कारक हैं, ठीक है, कौन? जेपी एकर्ट, जेपी एकर्ट और जॉन मुसली। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में डिफरेंस क्या था? तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? नोट करके ये लिखिएगा, इनेक में स्टोरेज नहीं था, स्टोरेज नहीं था, जबकि जबकि इडवेक में प्रोग्राम के लिए स्टोरेज थी, स्टोरेज था। ठीक है, तो इनिक और इडबैक में यही डिफरेंस था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ और रह गया है जैसे यूनिवैक प्रोसेसर, तो इन सब सब चीज़ों के बारे में अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग जल्द से जल्द स्कोर प्लस ऐप डाउनलोड करें, और वहाँ पे आपको इसका पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी BHPSCL में BSPSCL का जो सिलेबस है वहाँ पे आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।